नरेंद्र मोदी विवाह संरक्षण अधिनियम ला रहा है जी, राजनीति का हिस्सा ये नहीं, मैं ये एक बात कह रहा हूं कि एक नहीं, मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूं, मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूं एक मिनट सुनिएगा। एक तरफ तलाक संरक्षण अधिनियम था और एक तरफ दूसरी तरफ महिलाओं के विवाह का अधिकार संरक्षण का कानून लाया जा रहा है। तो इसका जो एक जो सकारात्मक पहलू है, आप अपना राजनीतिक मंतव्य कहीं रखिए, आप राजनीतिक विचारधारा कहीं रखिए, लेकिन ये महिलाओं के विवाह का अधिकार संरक्षित रखने का जो कानून लाया जा रहा है इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और एक चलते चलते एक बात कह दूं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, चूंकि शाइस्ता जी ऑल इंडिया महिला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्षा है, वो समानांतर एक संस्था है जी। उस संस्था ने, जो पुरुष की संस्था तथा कथित रूप से है, उसने तीन तलाक पर अगर कोई बात कही तो तीन तलाक पर अगर कोई राय दे रहे थे तो ठीक है, ये बात अपनी थी, लेकिन वो तीन तलाक के राय के बीच में ही उन्होंने राम मंदिर वाला भी मसला घुसाया। बिल्कुल बिल्कुल, और इस पर मुझको सर्वाधिक तकलीफ भी है और आपत्ति भी है अगर कि आप महिलाओं के इशू को, एक जेन्युइन इशू आईने से अगर कोई चीज देखी जाती है तो उसका हर एक पहलू का नकारात्मक और सकारात्मक चीजें होती है, लेकिन उसको हम किस तरह से लेते हैं। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। घर से निकालने के बाद घर पे कई माँ पे नोटिस भेज दिया, घर पे तीन बार तलाक तलाक लिख के। तलाक के कारण बहुत ही हृदय में जिंदगी जीने के लिए मजबूर हुई। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। संसार का सबसे बड़ा मेला है, तुमने उसकी कहानी नहीं सुनी? सदियों पुरानी है कुंभ की कहानी। असुरों ने आरंभ किया जब देवों का संहार, देवों की सेना में मच गया भीषण हाहाकार। विष्णु बोले जीतना है तो जाओ तुम सब अमृत पी लो, असुरों को जर चुका डालो, मिलजुल कर सागर खंगा लो। शुरुआत में प्रयाग में महाकुंभ का भी आयोजन किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा यूनो की तरफ से कुंभ को मानवता की अमूल्य धरोहर के रूप में मान्यता मिली है। कुंभ चले। बच्चन जी। बोलिए बच्चा जी। आपने वो फिल्म जादूगर की थी ना? ना की थी। तो मुझे जादू दिखाइए। अच्छा। ये देखो मैं यहाँ पत्थर मारूंगा, यहाँ से कबूतर चिड़िया सब निकलेंगे।
हो गया देखो कबूतर चिड़िया सब उड़ गए। बच्चन जी। हाँ जी। बस इतना ही? हाँ और क्या? अब मेरा जादू देखिए, ये वाला पत्थर वहाँ मारूंगा और इंसान निकलेंगे। इंसान? हाँ इंसान। अरे अरे भाई देखो अरे यार क्यों तुम लोग गांव की इज्जत पे धब्बा लगा रहे हो? बाहर से लोग आएंगे तो क्या सोचेंगे? स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत भारत सरकार जो है वो शौचालय बनाने में मदद कर रही है, तो आप भी अपने घर में शौचालय बनाइए, परिवार को उसका इस्तेमाल करवाइए। अच्छा मेरी नहीं सुनते हैं तो कम से कम ये समझदार आदमी की तो सुन लीजिए। बैठिए मैडम बैठिए। देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो, पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था? एक चतुर नार बड़ी होशियार, क्या गाना था वो? अरे बेटो तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये दोनों लड़कियां कौन है? देखिए भाई साहब आप कौन है? जी मैं इसका बाप हूँ। आप इसके बाप हूँ? महमूद का बेटा नहीं तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं? घर से निकालने के बाद घर पे गई माँ पे नोटिस भेज दिया, घर पे तीन बार तलाक तलाक लिख के। इस तलाक के कारण बहुत ही दुर्दय में जिंदगी जीने के लिए मजबूर हूँ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो आपने देखा था जब राम मंदिर का मुद्दा उफान पर आया था, चर्चाओं में आया था, तेज गति से पकड़ रहा था, धर्मसभा हो रही थी, धर्म संसद होती, तो हर तरफ यही कहा जा रहा था क्योंकि कुछ वर्ग थे जो राम मंदिर को लेकर सपोर्ट में थे, लेकिन लगातार आवाजें आ रही थी कि राम मंदिर निर्माण होना चाहिए। वहीं आपको बता दें चाहे मुस्लिम संगठन हो या कुछ और भी दल, उन्होंने कहा ऐसे कैसे राम मंदिर बन सकता है, हम तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। लेकिन अब जब बात तीन तलाक को लेकर आती है तो यही लोग कहते हैं कि ना हम सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे और ना ही किसी सरकार के फैसले को, ना ही किसी बिल को। तो किस तरह की स्थिति देखी जा रही है, क्या कुछ कहेंगे बीडी नकवी जी आप सारे पहलुओं को देखते हुए? कहा कि ये मुझे, मैं पहली बार सुन रहा हूँ किसने कहा कि हम कोर्ट को भी नहीं मानेंगे। ये शाबानों वाली जब मामला हुआ उसके बाद जो कानून आया रिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज जो मालूम है जो बाद में एक्ट बना 1986 में, तब कहा गया हम, मुझे ऐसे कोई आवाज नहीं, हम सब अदालत को भी नहीं मानेंगे। हिंदुस्तान में हर आदमी को कॉन्स्टिट्यूशन को मानना है और सुप्रीम कोर्ट की बात को मानना है। ये बात कहना जिन लोगों ने कहा, जिन लोगों ने कहा धर्मगुरुओं को भी कहना आप रही है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान में मुस्लिम लॉ में बता दू 1939 शरीयत एक्ट कानून बनने का अधिकार जो है पार्लियामेंट को है, हमारे सुप्रीम कोर्ट को भी मौजूद है। कानून है वो लोग बिल्कुल जाहिल है, वो लोग जाहिल है बिल्कुल, मुसलमानों में एजुकेशन कमी है। मैं बिल्कुल इस बात पर किसी की बात नहीं सुनने वाला कि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन कोई चैलेंज नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है, मिनोरिटी को राइट देता है, हमें रिलीजियस राइट्स देता है, हमको एजुकेशन स्टैब्लिश करने का राइट देता है। ये बात किसी को कहने का हक नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। अगर कोई कहेगा तो मैं कहूंगा वो इंटरनेशनल है। ये तो कहीं नहीं, हम अपनी बात कहेंगे, हम अपनी बात ग्रीवांस और सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे, लेकिन जो फैसला होगा उसको हम मानेंगे, हमें मानना होगा। जी मैं आपसे यही, जी मैं उनका पक्ष लगाने के लिए भी भीड़ इकट्ठा रहती है। जी जैसा आपको भी मैं बताना चाहूंगी कि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ उसी के कुछ घंटे बाद ही ये तलाक होने लगे, और जब हमारे पास मामले आए और आप जैसे और टीवी चैनल भी आए और उस सामने वो मौलाना नहीं और दूसरे जो जिसने तलाक दिया उसने कहा मैं सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानूंगा, मेरा जो हक है मैं अपना हक का इस्तेमाल करूंगा। अरे कैसे ले लोगे, तुम सऊदी अरब में बैठे हो, व्हाट्सएप पे तुम तलाक दे रहे हो, कैसे मान लोगे? इसलिए सजा का कानून बनना जरूरी है। तलाक की तलवार से बीवी बच्चे परिवार सब डरे सहमे रहते हैं। जिस तरह से शाइस्ता जी बात करी, फरहत जी क्या जवाब देंगे? क्योंकि इन्होंने बात कही कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कहते नहीं मैं अपना हक मानूंगा, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए फरहत जी, इसे मीडिया बहुत दिखाता है कि सुबह शाम की वो मुस्लिम ये कह रहे हैं, कौन सी पटरियां उखाड़ दी? 4 महीने पहले कानून आया था, किस मुस्लिम ने पटरी उखाड़ दी? कौन आदमी सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़ा हो गया कि इस कानून को नहीं मानेंगे या पार्लियामेंट के बाहर खड़ा हो गया? तो सर मीडिया सच्चाई दिखाती है, आपको पता है ना? और मीडिया सच्चाई दिखाती है, आप बताएं देश का कानून को सबसे ज्यादा अगर कोई मानता है, घर टूट गए आप जोड़िए जाके, अरे भाई घर जुड़ गए आप जोड़िए,
तो मैं समझूंगी कि आप शरीयत का भी पालन कर रहे हैं। 302 का लोग मुकदमा करते हैं, कानूनी तो नहीं मानते, उनको सजा होती है। जिनके पास